तो आज हम बात करने वाले हैं डीसी और मार्वल के हीरोज एंड विलन्स के बीच में टीममेट फाइट के बारे में, जिसमें डीसी की साइड से होंगे सुपरमैन एंड डार्क साइड और मार्वल की साइड से होंगे थोर एंड थेनोस। तो इस वीडियो में हम इन सुपर हीरोज एंड सुपर विलन्स की पावर्स को कंपेयर करेंगे और फिर इनके बीच में बैटल के बारे में जानेंगे कि अगर इन दोनों टीममेट्स के बीच में फाइट होती है तो कौन सी टीम विनर होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम डीसी की टीम सुपरमैन और डार्क साइड की पावर्स के बारे में जान लेते हैं। बात करते हैं सुपरमैन की। तो सुपरमैन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, हीट विजन, फ्लाइट, सुपर स्पीड, विजुअल परसेप्शन, हीटिंग, इंफ्रारेड विजन, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, फ्रीज ब्रीथ और हीलिंग फैक्टर जैसी पावर्स हैं। सुपरमैन 200 क्विंटिलियन टन्स जितना वेट उठा सकता है। यहाँ तक कि सुपरमैन स्पीड के मामले में फ्लैश को भी टक्कर दे चुका है। अब सुपरमैन की पावर्स के बारे में जानने के बाद बात करते हैं डार्क साइड की पावर्स के बारे में। तो डार्क साइड के पास बहुत सी गॉडली पावर्स हैं। डार्क साइड के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ओमेगा बीम्स, अवतार क्रिएशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन और सुपर स्टेमिना जैसी पावर्स हैं। डार्क साइड अपनी ओमेगा बीम्स को किसी भी डायरेक्शन में फायर कर सकता है। ओमेगा बीम्स उसकी इच्छा से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो अब डार्क साइड की पावर्स के बारे में जानने के बाद आइए हम बात करते हैं मार्वल के सुपर हीरो थोर की पावर्स के बारे में। थोर जो कि एसगार्ड का गॉड है और उसे गॉड ऑफ थंडर के नाम से भी जाना जाता है। थोर के पास गॉडलाइक स्ट्रेंथ, गॉडलाइक ड्यूरेबिलिटी, सुपर हीलिंग फैक्टर, थंडर शॉक, वेदर कंट्रोल, वेदर मैनिपुलेशन, गॉडलाइक मसल पावर्स, हाई वेट लिफ्टिंग पावर, समन लाइटनिंग जैसी गोट लाइक पावर्स हैं। इसके अलावा थोर के पास उरु मेटल से बने मिलनियर और स्टोन ब्रेकर जैसे पावरफुल गोट लाइक वेपन्स भी है। थोर स्टोन ब्रेकर की हेल्प से कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। स्टोन ब्रेकर इतना पावरफुल वेपन है कि थोर ने एक बार स्टोन ब्रेकर की हेल्प से इन्फिनिटी स्टोन की पावर्स को ओवर पावर करके उसे थेनोस की छाती में घुसाया था। थोर की एज नियरली 1500 ईयर्स है और उसके पास बैटल एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि थोर ने सैटर्न जैसे पावरफुल एनिमीज को भी डिफीट किया है। अब थोर की पावर्स के बारे में जानने के बाद आइए बात करते हैं थेनोस की पावर्स के बारे में। तो थेनोस जो कि मार्वल का एक सुपर विलन होने के साथ साथ 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को भी कैरी कर सकता है। थेनोस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जीनियस लेवल टेक्नीशियन, प्लाज्मा एनर्जी प्रोजेक्शन, इमोर्टेलिटी, सुपर इंटेलिजेंस जैसी पावर्स हैं। थेनोस के पास डबल एड स्वॉर्ड जैसे वेपन्स भी है जिसने थोर और आयरन मैन की कंबाइंड पावर्स को भी सर्वाइव किया है। यहाँ तक कि इस वेपन ने एक बार कैप्टन अमेरिका की शील्ड को भी डिस्ट्रॉय किया है। थेनोस अकेले 2 or more एनिमीज से एक साथ फाइट कर सकते। यहाँ तक कि थेनोस ने एक बार हल्क को भी बुरी तरीके से डिफीट किया था। ये तो थी थेनोस की पावर्स। तो अब डीसी और मार्वल दोनों टीम्स की पावर्स के बारे में जानने के बाद आइए हम इनके बैटल के बारे में भी जान लें। तो इस बैटल में हम 2 fights को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट फाइट होगी सुपरमैन वर्सेस थोर और सेकंड फाइट होगी डार्क साइड वर्सेस थेनोस। उसके बाद अगर ये कंडीशन होती है कि डीसी और मार्वल दोनों टीम्स में से एक एक मेंबर विनर हो जाता है तो उन दोनों के बीच एक फाइनल बैटल भी हो सकती है, जिसके बाद जो भी फाइनल बैटल में विनर होगा उसी की टीम फाइनल विनर होगी। तो चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट बैटल सुपरमैन वर्सेस थोर के बारे में। इस बैटल में सुपरमैन के पास स्पीड और वेट लिफ्टिंग पावर थोर से ज़्यादा है, लेकिन थोर के पास उरु मेटल से बने मिलनियर और स्टोन ब्रेकर जैसे पावरफुल वेपन्स भी हैं और थोर स्टोन ब्रेकर की हेल्प से बायफ्रोस्ट खोल सकता है और उससे कहीं भी जा सकता है। तो अगर सुपरमैन थोर से बहुत दूर भी चला जाए तो थोर बायफ्रोस्ट की हेल्प से सुपरमैन के पास पहुँच सकता है। इसके अलावा थोर एक गॉड भी है जिसकी कोई भी वीकनेस नहीं है, लेकिन सुपरमैन की 2 weaknesses है। एक तो क्रिप्टोनाइट मेटल जिससे सुपरमैन को मारा जा सकता है और दूसरा सनलाइट का ना मिलना। अगर सुपरमैन को सनलाइट से दूर रखा जाए तो सुपरमैन को डिफीट किया जा सकता है, और अगर थोर के पास क्रिप्टोनाइट मेटल हो तो थोर सुपरमैन को डिफीट कर सकता है। इसके अलावा अगर थोर बायफ्रोस्ट की हेल्प से सुपरमैन को सन से दूर ले जाए तो थोर सुपरमैन को डिफीट कर सकता है। तो सुपरमैन और थोर की इस बैटल में थोर विनर होगा। तो अब बात करते हैं डार्क साइड और थेनोस की बैटल के बारे में। डार्क साइड के पास ओमेगा बीम्स जैसी पावर्स है, लेकिन थेनोस के पास पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स होंगी, जिनमें टाइम, स्पेस, रियलिटी, माइंड पावर एंड सोल जैसी पावर्स हैं। और अगर ये 6 इन्फिनिटी स्टोन्स किसी के पास हो तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर थेनोस के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स हैं तो थेनोस डार्क साइड को आसानी से हरा सकता है।
लेकिन अगर थैनोस के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर ना हो तो डार्कसाइड एक लॉन्ग बैटल के बाद ओमेगा बीम्स की हेल्प से थैनोस को डिफीट कर सकता है, क्योंकि ओमेगा बीम्स इतनी पावरफुल है कि उसे किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो डार्कसाइड और थैनोस की इस फाइट में डार्कसाइड विनर है। तो अब फाइनल बैटल में डार्कसाइड का सामना थोर से होगा। ये बात करते हैं फाइनल बैटल के बारे में जिसमें डार्कसाइड एंड थोर फाइट करेंगे। तो इस बैटल में थोर के पास 2+ पॉइंट्स है, जैसे एक तो वेपन्स और दूसरा सुपर हीलिंग फैक्टर। थोर अपने वेपन्स की हेल्प से डार्कसाइड को डिफीट कर सकता है। और रही बात ओमेगा बीम्स, तो थोर इतना पावरफुल है कि उसने एक बार न्यूट्रॉन स्टार की फुल फोर्स को भी सर्वाइव किया था। और तो और उसके वेपन उसे सुपर हीलिंग पावर्स देते हैं जिससे थोर अपने आप को हील कर सकता है, जिसकी एक झलक हमने इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर देखी थी। यहाँ तक कि थोर के वेपन्स भी जिस मेटल से बने हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए थोर के वेपन्स भी ओमेगा बीम्स को सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए अगर थोर और डार्कसाइड की बैटल होती है तो थोर स्टोन ब्रेकर की हेल्प से डार्कसाइड के सर को एक ही वार में धड़ से अलग कर देगा। तो थोर वर्सेस डार्कसाइड की इस बैटल में थोर विनर है। तो डीसी और मार्वल की इस बैटल के अंदर मार्वल की टीम विनर होगी। तो ये तो थी डीसी और मार्वल पे हमारी एक वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपको मिलता हूँ ऐसी एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।